हांगकांग चिकन इसको बता रहे हैं। आप इसका टेस्ट करेंगे कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार पीस। तो चलिए अभी मैं जहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे जो कैफ़े में आया हूँ, टॉली कैफ़े नाम है, जो टॉलीगंज में है। तो बाकी सारा जो डिटेल्स है जो यहाँ के ऑनर है मैं उनसे लूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को उनसे मिलाता हूँ। तो मैम आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सबसे पहले मेरे व्यूअर्स का अपना नाम बता दीजिए। आई एम जयती दत्त राय। ओके, और आपका ये कब से ये सेटअप स्टार्ट हुआ है? सी वी स्टार्टेड लॉन्ग बैक बट इन 2022 वी हैव चेंज्ड दिस शेड Okay. And then it all, you know. Yeah, because the atmosphere is so good. Yeah. When I am entering and I see the atmosphere is really so nice. Yeah, and बाहर से पता नहीं चलता कि अंदर इतना जगह है, right? और क्या है कि मैम मैं यहाँ पे जो 299 का जो आपका कॉम्बो है वो मैं ट्राई करने के लिए आया हूँ। तो उसके साथ भी मैंने देखा है बहुत सारा वैरायटी है। तो 299 का जो कॉम्बो है उसको छोड़कर और आपका यहाँ पे क्या है जो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? हमारे पास कॉन्टिनेंटल है, हमारे पास मॉकटेल्स है, बहुत सारे वी आर एक्सपर्ट्स इन मॉकटेल एंड फिश फ्राई इज अवर सिग्नेचर डिश। एकदम क्योंकि मैं सच अगर बताऊँ तो मैं फिश नहीं खाता उतना, लेकिन आज जब मैंने फिश खाया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसमें जो वो सॉल्ट एंड पेपर का जो वो टेस्ट आ रहा था, जो टेक्स्चर आ रहा था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो जो मॉकटेल था वो कौन सा था मैम? मॉकटेल मोजीतो विथ कीवी। ओके, तो मैं तो खा लिया था, मुझे पता नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था तो मैं नाम आप लोगों को बता दिया। और आप अगर यहाँ पे हम लोग अगर आना चाहे टॉलीगंज मेट्रो तक तो सब आ सकते हैं, वहाँ से कैसे आना है मैम? ये टू वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एक है बांगुर हॉस्पिटल, नया बांगुर हॉस्पिटल जो है उसके पीछे है, और बिसाइड बांगुर हाई स्कूल। अच्छा, ये दोनों अगर याद में रहेगा तो यहाँ पे आना बहुत ईजी है। दिस इज द डेड एंड लास्ट बिल्डिंग है, तो जस्ट बिसाइड बांगुर हाई स्कूल एंड जिस लेन में इंडियन बैंक, बांगुर हाई स्कूल, ये दोनों हैं वहाँ पे ही है। अच्छा, तो जैसा कि मैम ने बताया एड्रेस के बारे में, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ का नंबर भी दे दूंगा। और क्या होता है कि अगर यहाँ पे आए, अगर फ़ोन करके आए तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है ना? बेस्ट। और तो हम लोग के पास एक बफेट भी है। अच्छा, जो 399 में है। अच्छा, उसमें अभी जो आप खाना खाएं वही आपको अनलिमिटेड मिलेगा। अच्छा, लाइक विंग्स आपको जितना चाहे, जैसे कि कोई भी आइटम आपको बहुत पसंद आ गया सो यू कैन नॉट गेट इट। आप जैसे बोल रहे कि बहुत, जैसे कि कुछ पसंद आया, मुझे एक्चुअली सभी कुछ पसंद आया, तो सभी आप ज्यादा खा सकते हो। अच्छा, ओनली 100 rupees एक्स्ट्रा। ओके तो वो सैटरडे और संडे होता है। में होता है। तो जैसा कि जो 299 का मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपको सैटरडे संडे को अनलिमिटेड मिलेगा 399 में मिलेगा सैटरडे संडे। और टाइमिंग क्या होता है मैम? टाइमिंग हम लोगों का 12:30 से 8:30 हमारा लास्ट ऑर्डर है। अच्छा, लेकिन अभी रश बहुत है इसीलिए हम लोग आज आपको, जैसा कि मैं यहाँ पे करीबन 9 बजे मैंने फ़ोन किया था, तो आप अगर लास्ट तो 8:30 बजे तक ऑर्डर होता है, आप अगर फिर भी 8:30 बजे की तरफ देंगे तो 9 बजे भी आने से वो हो जाता है। मतलब फ़ोन करके आना ये बेहतर होता है। राइट, तो आप फ़ोन करके आ सकते हैं और फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये कौन सा डे खुला हुआ रहता है? ऐसे वी आर क्लोज ऑन मंडेज। अच्छा, तो मंडे को यहाँ पे बंद रहता है, बाकी ऑल डेज खुला हुआ रहता है। 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और आपका लास्ट ऑर्डर 8:30 बजे है। तो आप अगर कहीं दूर में है, अगर आ नहीं पा रहे हो, तो 8:30 बजे तक आप फोन भी कर सकते हैं, फोन करके आ सकते हैं। बोल रहे हो कि आओगे तो वी विल वेट फॉर यू। जैसे कि मैं आज आया था, एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हुआ था, लेकिन आया तो जो मैं इतना दूर से आया और जो लेट आया ना वो खा के बहुत ही मज़ा आ गया। और सच में बताऊँ तो फिश, मेरे सच में मैं फिश नहीं खाता होता, लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू मैम। और जैसा कि और आप मेरे व्यूअर्स को बोल दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाउ आर यू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और मैं अभी हूँ टॉलीगंज में, टॉली कैफ़े बोलकर एक जगह है, वहाँ पे आपको 299 का एक कॉम्बो है, तो मैं वो ट्राई करने आया हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा वहाँ पे कि 299 में क्या क्या मिलने वाला है। और ये यहाँ पे एक खास बात ये है कि आप जो 299 का कॉम्बो लेंगे उसमें आप 1% ही 2% खा सकते हैं। तो चलिए अब चलेंगे, देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा।
सो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनका मेन्यू कार्ड है और यहाँ पे बहुत ही आपको खाने का मतलब वैरायटी मिलेगा, वो चाहे स्टार्टर हो या फिर आपका स्नैक्स हो। और यहाँ पे स्पेशली मॉकटेल, बहुत ही यहाँ पे इन लोगों का स्पेशल मॉकटेल मिलता है। और फिश भी बहुत, इन लोगों का सिग्नेचर जो डिश है वो फिश है, यहाँ पे बहुत ही एक यूनिक तरह का मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं मेन्यू। और गाइस मैं यहाँ का एक खास बात बताऊँ तो मैं जो 299 का कॉम्बो लेने के लिए आया हूँ, जो ट्राई करूँगा, उसमें आप 2 पर्सन खा सकते हैं। 299 में 2 पर्सन के लिए है, तो उसमें आपको सबसे पहले वेलकम ड्रिंक्स दिया जाएगा, उसके बाद स्टार्टर दिया जाएगा, उसके बाद मेन कोर्स दिया जाएगा, और उसके बाद आपको डिज़र्ट दिया जाएगा, और उसमें भी आपको वैरायटी मिलेगा। तो क्या है कैसे है वो अब आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। और गाइज़ ये देख सकते हैं आप, वेलकम ड्रिंक्स आ चुका है। और लेकिन अभी क्या है कि आपको इसमें भी 2 पर्सन के लिए है, तो मैंने क्या किया कि 2 मैंने अलग अलग मंगवाया हूँ, जबकि यहाँ पे गर्मी के दिनों में मॉकटेल का आपको वेराइटीज़ मिलेगा, और जबकि अभी विंटर सीजन है इसलिए आपको यहाँ पे सूप भी मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने दोनों ऑर्डर किया, मैं दोनों अभी टेस्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये है चिकन सूप, तो चिकन का क्वान्टिटी आप देख ही सकते हैं, अब इसको भी ट्राई करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप वेलकम ड्रिंक्स को ट्राई करते हैं। तो ये रहा मॉकटेल, अब इसका टेस्ट काफी अच्छा रहा। ये कौन सा फ्लेवर है मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए, ये है आपका चिकन सूप, और ये आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा, मतलब चिकन का पीसेस है, और बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है, और ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है, तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अब स्टार्टर की बारी आती है, तो चलिए स्टार्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चिकन विंग्स है, आप इसका क्वांटिटी देख सकते हैं कितना है, अब इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करके आपको बताएंगे कैसा है। तो चलिए उससे पहले अब तो लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये है चिकन विंग्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत सारा वाह चिकन विंग्स, आप विंग्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए विंग्स काफ़ी अच्छा है। तो आप ट्राई करेंगे कैसा है, काफ़ी अच्छा पका हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो चिकन है काफ़ी अच्छा पका हुआ है, और इसमें जो मसाला जो लगा हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। विंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4 पीसेस है यहाँ पे। तो ये स्टार्टर में आपको चिकन विंग्स मिल रहा है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। ये है फ्राइड राइस, एक चिकन फ्राइड राइस, और इसमें है चिकन चाउमीन, ठीक है, इसमें है आपका सॉल्ट एंड पेपर फिश, और ये है हांगकांग चिकन, हांगकांग चिकन, यस सर, ठीक है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मेन कोर्स आ गया। अभी यहाँ पे ये फर्स्ट आप देखिए फ्राइड राइस है, तो फ्राइड राइस को लेते हैं, और ये सेरेबल है, तो 2 पर्सन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्राइड राइस मैंने लिया, और ये आप देख सकते हैं हांगकांग चिकन इसको बता रहे हैं। अब इसका टेस्ट करेंगे कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 पीस मिल रहा है यहाँ पे, साथ में टोमेटो भी दिख रहा है, कैप्सिकम है, अब इसका टेस्ट कैसा वो बताएंगे। और यहाँ पे देखिए आप चिकन चाउमीन है, इसका भी क्वान्टिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको भी लेते हैं, और एक ये जो आपका मेन है, ये आपका सॉल्ट एंड पेपर, ये फिश है, फिश मैं उतना खाता ही नहीं हूँ, लेकिन चलिए सबसे पहले मैं फिश से ही ट्राई करता हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये फिश सॉल्ट एंड पेपर फिश बता रहे हैं, इसको टेस्ट करते हैं। मैं फिश उतना नहीं खाता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो इनका जो नाम है, इसमें जो सॉल्ट एंड पेपर जो है ये ऊपर से कोटेड है ना, अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका, मतलब फिश मैं इतना नहीं खाता हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो ये फिश हो गया, अब मैं हांगकांग चिकन को थोड़ा मैं फ्राइड राइस में देता हूँ। अब प्राइस का क्वालिटी देखिए काफ़ी अच्छा है, ये हांगकांग चिकन, चिकन का पीसेस देखिए आप, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो ग्रेवी के साथ आप अगर ये फ्राइड राइस देख रहे, बहुत ही अच्छे से कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब जो अपना चाउमीन है उसको ट्राई करते हैं, इस ग्रेवी के साथ ही ट्राई करते हैं, देखिए कैसा है। और इसका चिकन पीस आप देख सकते हैं,
चिकन भी खाते हैं। बहुत अच्छा है ये चाउमीन है, आप चिकन चाउमीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाउमीन का क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे चाउमीन में आप मतलब चिकन का क्वांटिटी देखिए। अब इस बाउल में आपको हॉट चॉकलेट मिल रहा है, हॉट चॉकलेट आप ट्राई करेंगे कैसा है। वाह, ये जो चॉकलेट है इसको गर्म किया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आप हॉट चॉकलेट भी ले सकते हैं और डिज़र्ट में, और आप ये आइसक्रीम भी ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता रहा था 2 पर्सन के लिए, तो मैंने क्या किया कि 2 अलग अलग मैंने लिया है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको अगर ये लेना है आपको आइसक्रीम, ये वनीला फ्लेवर है, आपको और भी बहुत सारा फ्लेवर मिलेगा। और ये हॉट चॉकलेट, तो मुझे हॉट चॉकलेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। वाह, yeah please subscribe his channel and he is very cute and his photography is awesome। यहाँ पे आएंगे आपको सब कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, ऑब्वियसली फूड का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा, और बाकी यहाँ पे स्टाफ बिहेवियर और मैम का तो ऑब्वियसली बहुत ही फ्रैंक है वो। तो आप लोग भी आइए, इन्जॉय करिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए फूड के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।